यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ टाटा स्टील में, जहां से ये कंस्टेंट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर छोटा अगर हम लोग रेंज ढूंढने की कोशिश करते हैं तो यहाँ भी देखिए ये सपोर्ट ले रहा है कंस्टेंट, फिर यहाँ पे इसका एक रेसिस्टेंस लाइन बना हुआ है जिसके अंदर में ये ट्रेड कर रहा है। फिर क्या हुआ, मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, देखिए रेंज के बाहर गया, मार्केट रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद क्या किया ना, ब्रेकआउट, ये जो प्रीवियस आई उसके ऊपर जाने के लिए क्या किया, रेंज क्रिएट किया। जब रेंज क्रिएट होता है तो क्या होता है, मार्केट कहीं एक साइड ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो मार्केट क्या हुआ, अपसाइड ब्रेक किया, वॉल्यूम आने लगा ना, देखिए वॉल्यूम कंस्टेंट इंक्रीज हुआ। तो इस हाई के ऊपर आप बाई कीजिए, नीचे में स्टॉप लॉस लगाइए। फिर क्या हुआ, मार्केट कंस्टेंट ऊपर गया अपने टारगेट तक, यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आया, मार्केट नीचे गिरा, देखिए सेकंड टाइम वापस यहीं पे पहुंच के प्रॉफिट बुकिंग आके नीचे गिरा, वापस अपना जो सेकंड टारगेट था, सेकंड टारगेट यहाँ पे हिट किया, फिर सेकंड के बाद थर्ड टारगेट हिट करके प्रॉफिट बुकिंग।